अस्सलामुअलैकुम व्यूज, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? ये देखें, आज हम गांव में आए हैं। ये झेलम के साथ ही गांव है मोहरा शरीफ, और बड़ा प्यारा नज़ारा है। यहां पे हम साइज देने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लूं आप लोगों के लिए। आज इंशाल्लाह आपको व्यू करवाएंगे सारे गाँव का। मौसम बहुत प्यारा है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे। गाँव की लाइफ की क्या ही बात होती है। ये देखिए कणक लगी हुई है, थोड़ा सा व्यू भी कराऊंगा मैं आपको। जो लोग प्रदेश में रहते हैं वो उनको बड़ा शौक होता है गाँव देखने का, अपना गाँव बहुत खूबसूरत गाँव है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा आपको दिखा सकूं। मैं अभी चल के जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आप में से किसी, जो लोग प्रदेश में हैं उनका किसी का गांव हो जाए। अगर हम लोग गांव में ही रहें तो बीमारियां कम हों। यहां पे खालिस है हर चीज़, दूध हो गया, उसके अलावा सब्जियां होगी, क्योंकि ये लोग अपने खुद ही लगाते हैं और ये सब वो खुद ही खाते हैं, और सब कुछ खालिस है, इसमें मिलावट कम है। शहर में आपको पता है कि जो है वो मिलावट बहुत ज़्यादा है, और वो शहरी लोग जो हैं वो परचेज़ करते हैं, ज़्यादातर वो बर्गर वाले लोग हैं, तो बर्गर खा के इंसान बर्गर ही बन जाता है। अगर हम ये सब्जियां खाएं तो हमारी सेहत भी ठीक रहे, बीमारियां भी ना लगें और हम फ्रेश लगें। यहाँ पे एयर जो है फ्रेश है, हवा फ्रेश है, सांस लेने में मसला नहीं हो रहा। चल के ज़रा आगे तक जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिखा सकूँ गाँव का ज़रा नज़ारा। यहाँ पे मैंने आगे वो बकरियाँ देखी थी, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था, रिजल्ट मैं आपको वो दिखाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे तक आ गया हूँ। वो देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, ऐसी ग्रीनरी, ऐसी खूबसूरती आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, ये नेचुरल ब्यूटी है हमारे मुल्क की। देखिए बकरियां घास खा रही हैं, बच्चे खेल रही हैं,